आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आरबीआई असिस्टेंट वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है एक आरबीआई असिस्टेंट का, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को लेकर हमेशा एक नेगेटिव न्यूज़ रहती है कि बैंकिंग सेक्टर वाले दूसरी जॉब में बहुत जल्दी स्विच कर देते हैं। लेकिन आरबीआई, नाबार्ड, ये जो नोडल बॉडीज़ होती है, रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है, इनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अलग तरीके का रहता है। मैं अभी दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में तो बात नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन आरबीआई असिस्टेंट के बारे में मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूँ कि इनका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है। आप वीडियो पूरा देखना तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर पॉजिटिव नज़र आएगी। देखो, सबसे पहली तो सैलरी की बात करें तो अगर हम प्रोफाइल इनकी देखें तो एक क्लरिकल लेवल की पोस्ट होती है असिस्टेंट की। जो आईबीपीएस क्लर्क क्लियर करके आते हैं, जो एसबीआई क्लर्क क्लियर करके आते हैं, उनके कंपैरिजन में इनके सैलरी प्लस अलाउंसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इवन हम आईबीपीएस पीओ से अगर इसको कंपेयर करें तो लगभग उतने सैलरी प्लस अलाउंसेस अगर इनके टोटल जोड़ देंगे तो टोटल सैलरी इनकी लगभग आईबीपीएस पीओ के बराबर बन जाती है एक आरबीआई असिस्टेंट की। और इनके पास वर्कलोड भी उतना ज़्यादा नहीं रहता जितना एक आईबीपीएस क्लर्क को और एसबीआई क्लर्क को रहता है। तो सैलरी के अंदर आरबीआई असिस्टेंट को एक हैंडसम सैलरी मिलती है इनिशियली। उसके बाद हम देखें तो दूसरा फायदा इनको ये है कि 5 डे वीक इनके पास रहता है, जो एक नॉर्मल बैंकिंग सेक्टर के बच्चे को नहीं रहेगा। 5 डे वीक से इनको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स लाइफ रहती है। मंडे टू फ्राइडे आपको ऑफिस जाना है और सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। उसके बाद फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं इनके यहाँ पे लेट सेटिंग नहीं होती है। वर्क प्रोफाइल इनकी बहुत अच्छी होती है क्योंकि पब्लिक डीलिंग इनके पास नहीं रहती है। इनकी पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग इनकी अर्बन सिटीज़ में होती है, मेट्रो सिटीज़ में होती है, इवन सेमी अर्बन और रूरल में भी इनकी पोस्टिंग नहीं रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एक आरबीआई असिस्टेंट बनने का कि आप पब्लिक डीलिंग से बच जाते हो, क्योंकि पब्लिक डीलिंग अगर जैसे हम जो पब्लिक सेक्टर बैंक में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि जहाँ पे पब्लिक डीलिंग रहती है वहाँ पे कितना ज़्यादा रिस्क रहता है। एक जो नॉर्मल क्लर्क होता है और अगर वो कैशियर है ब्रांच के अंदर तो उसके आए दिन हमें सुनने में आता है कि कभी उसका 2000 का उसका लॉस हो गया, कभी टैली नहीं हुआ कैश, तो उसको जेब से पैसे भरने पड़ते हैं। तो ये इन सब फाइनेंशियल रिस्क से एक आरबीआई असिस्टेंट जो है वो बच जाता है। तो इनकी जो वर्क प्रोफाइल होती है वो इतनी हेक्टिक नहीं होती है। और इवन जो बैंक में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और उसके बाद जो आरबीआई असिस्टेंट बनते हैं, हमारी उनसे भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अगर हम उसी स्पीड से काम करें जिस स्पीड से एक आईबीपीएस क्लर्क एसबीआई क्लर्क काम करता है तो काफ़ी कम काम होता है आरबीआई असिस्टेंट को उनके कंपैरिजन में। इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे बड़ा एडवांटेज इनको ट्रांसफ़र पॉलिसी का मिलता है। ट्रांसफ़र पॉलिसी, जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी रूरल पोस्टिंग नहीं होती है। दूसरी चीज़, पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या होता है कि ट्रांसफ़र आपके बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। फ्रीक्वेंटली कैसे होते हैं तो कहने को तो ये होता है कि क्लर्क जो है वो 5 साल तक उसका ट्रांसफ़र नहीं होता है लगभग सभी बैंकों के अंदर। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि वो ट्रांसफ़र को तो शो नहीं करते हैं, लेकिन वो ये बोलने लग जाते हैं कि आपको डेप्यूटेशन पे 6 महीने के लिए इस ब्रांच में जाना है, डेप्यूटेशन के लिए आपको 2 दिन किसी दूर ब्रांच में भेज देंगे, फिर 2 दिन बाद किसी दूर ब्रांच में भेज देंगे, क्योंकि क्लैरिकल स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। तो ये जो कल्चर रहता है ये पब्लिक सेक्टर बैंक का रहता है। आपने एक ब्रांच ज्वाइन करी, वहाँ महीना भर हुआ, पता पड़ा दूसरे दिन आपका एचआरएम से ऑर्डर आ गया कि आपको दूसरी ब्रांच ज्वाइन करनी है, जाके 2 दिन आपको वहाँ काम करना है क्योंकि वहाँ का क्लर्क छुट्टी पे है, तो आपको डेप्यूटेशन पे वहाँ जाना पड़ेगा काम करने के लिए। लेकिन आरबीआई असिस्टेंट में ऐसा नहीं रहता, एक बार आपकी जहाँ पोस्टिंग हो गई वहाँ 3 से 5 साल आप बहुत अच्छे से गुजार सकते हो और अपना काम पूरे तरीके से कंप्लीट करके, और फिर आप अपना वहाँ से ट्रांसफ़र ले सकते हो जो आपका टेन्योर होता है वो कंप्लीट करके। इसके बाद हम बात करें इनकी पोस्टिंग पॉलिसी, तो वो मैंने बता ही दिया कि इनकी जो पोस्टिंग पॉलिसी होती है या जो इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी होती है, जो रिक्वेस्ट ट्रांसफर्स इनके होते हैं, उसमें भी आरबीआई जो है वो दूसरे बैंकिंग के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा लीनियंट रहता है। मतलब अगर आप दूसरे स्टेट से आरबीआई असिस्टेंट बने हो तो आपका जब टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो हमने यही सुना है कि आरबीआई आपको होम स्टेट के लिए आसानी से वहाँ पे पोस्टिंग दे देता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है आपको पोस्टिंग लेने के लिए। तो इन सब चीज़ों को अगर हम जोड़ दें तो एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है एक आरबीआई असिस्टेंट का बहुत अच्छा रहता है। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हो तो आप लाइफ टाइम उसी स्टेट के अंदर रह सकते हो। मान लो किसी ने राजस्थान से फॉर्म फिल किया, वहाँ का पेपर उसने क्लियर किया और उसने लाइफ टाइम प्रमोशन नहीं लिया, एज एन आरबीआई असिस्टेंट वो रहा, तो लाइफ टाइम जो है राजस्थान के अंदर ही पोस्टेड रह सकता है। और उसके घर से अगर उसका दूर भी है घर, तो भी वो राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप राजस्थान से आपने प्रमोशन ले लिया तो उसके बाद आपका दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र हो सकता है, तो उसके बाद फिर काफ़ी सारे लोगों के लिए करियर ज़्यादा मायने रखता है, तो वो फिर चीज़ें बदल जाती है ट्रांसफ़र की। लेकिन बैंकिंग के अंदर ऐसा नहीं है। बैंकिंग के अंदर आप राजस्थान में कोई कैपिटल सिटी से है जयपुर से, या गुजरात के अंदर अहमदाबाद से, एमपी के अंदर इंदौर से, तो वहाँ से तो उसको फिर भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। लेकिन बैंकिंग के अंदर आप किसी को कहीं दूर रूरल एरिया में पोस्टिंग दे दी और उसका घर जो है वो उसके आसपास है लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है, तो भी उसको दिक्कत आएगी। तो पोस्टिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो काफ़ी बार हमारे चैनल पे कमेंट डालते हैं, अरे सर हमको तो एक जॉब चाहिए, कहीं भी जॉब मिल जाए हमको, चाहे चेन्नई में जॉब मिल जाए, हम तो 2000 किलोमीटर
किलोमीटर दूर चल जाएंगे हमारे घर से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब जॉब लगने के बाद वही लोग जो हैं वो महीने भर के अंदर उनका माइंडसेट बदल जाता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी उसके 2 साल बाद मेरे पास एक लड़के का फ़ोन आया था और उसने बोला था कि मेरे को आपके कलीग ने ही फ़ोन नंबर दिया है, और उसने मेरे को बोला कि मैं PNB के अंदर एज अ क्लर्क पोस्टेड हूँ और मेरे घर से 60 किलोमीटर दूर मैं ब्रांच जाता हूँ और अप डाउन करता हूँ, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, वहाँ पर कोर बैंकिंग का काम है और मेरे साथ बहुत गलत किया जा रहा है, और उसका जो सिलेक्शन है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की किसी पोस्ट के अंदर किसी दूसरे बैंक के अंदर हो गया था। तो मैंने उसको समझाया कि देख, तू स्पेशलिस्ट ऑफिसर बन रहा है, तेरी एडमिन यूनिट में पोस्टिंग रहेगी, तो तेरा जो घर है वहाँ से मान के चलना कि 2,500 किलोमीटर दूर तेरी पोस्टिंग आएगी। लेकिन वो नहीं माना, उसने कहा नहीं सर, मैं तो प्रोफाइल छोड़ना चाहता हूँ। जैसे ही उसकी पोस्टिंग आई, उसके हफ्ते भर बाद उसका मेरे पास वापस फोन आया और वो रोने लग गया, बोले सर आपने बहुत सही समझाया था मेरे को, उसकी पोस्टिंग आई थी, मेरे को नाम भी याद नहीं उस जगह का, तमिलनाडु के अंदर चेन्नई के भी आगे कोई जगह थी, वहाँ के रीजनल ऑफिस में उसकी पोस्टिंग आई थी और वहाँ जाके उसके साथ इतना गंदा ट्रीटमेंट किया, उसको ये बोला गया कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो, आप ये हो वो, हम आपको छुट्टी नहीं देंगे, ज्वाइनिंग लीव को लेके उसके साथ नाटक हुआ काफ़ी। उसके बाद उसने PNB में वापस कॉन्टेक्ट किया और बोला कि मुझे वापस जॉब पर रख लो, तो ऐसा होता नहीं है, अगर आप एक बार रिज़ाइन दे दो और उस जगह से निकल जाओ। और उसने बोला कि सर अगर मैंने उस वक्त आपकी बात मान ली होती, तो अगर पैसे की थोड़ी दिक्कत थी भी सही, तो उसको PNB में लगभग 3 साल कंप्लीट होने वाले थे, तो मैंने कहा तू यहाँ स्केल 1 बन जाना और स्केल 1 बन के तो आराम से रह सकता है। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद उसके घर में उसकी दीदी का एक्सीडेंट हो गया, उसको छुट्टी को लेकर काफ़ी सारी दिक्कतें आने लगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप इनिशियल लेवल पे तैयारी करें तो ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके चलें। ज़्यादा फर्क नहीं रहता है एक IBPS का एग्ज़ाम क्लियर करने में और RBI का एग्ज़ाम क्लियर करने में। लोग क्यों नहीं क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने तैयारी का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ाते नहीं है। जब हम हमारी तैयारी के पीक पे होते हैं तभी IBPS क्लियर होता है। अगर आप थोड़ी मेहनत और करें और खुद को पुश करें तो RBI असिस्टेंट जैसा मौका बार बार जीवन में नहीं आता है। जिन लोगों ने चूका है, मैं खुद अपनी स्टोरी कभी बताऊंगा आपको कि आज भी मुझे कई बार दुख होता है जब मैं अतीत में जाके देखता हूं कि मैंने रेगुलेटरी बॉडीज़ की उतनी अच्छे से तैयारी क्यों नहीं करी थी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।